सोहाया गांव में प्रेमी ने प्रेमिका का रेप कर गला घोंट कर की हत्या। आरोपी गिरफ्तार, भेजा जेल। गुना जिले की राघोगढ़ तहसील के धरनावदा थाना क्षेत्र की पुलिस चौकी जागर के तहत आने वाले ग्राम सोहाया में एक प्रेमी ने अपने ही प्रेमिका के साथ रेप करने के बाद गला घोंट कर हत्या कर दी और उसे कंडों में छुपा दिया। पुलिस ने मृतक लड़की का शव बरामद कर शव परीक्षण के बाद परिजनों को सौंप दिया है। वहीं आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। धरनावदा थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह चौहान ने 29 अप्रैल सोमवार को जानकारी में बताया, सोहाया गांव में 19 वर्षीय युवती 22 अप्रैल से गायब थी। 24 अप्रैल को युवती की मां द्वारा थाना में गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। जांच पड़ताल के दौरान 28 अप्रैल की शाम के समय पुलिस की टीम को मृतक लड़की का शव बरामद सोहाया गांव के एक खंडर नुमा मकान में हुआ। युवती के प्रेमी को भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में युवती के प्रेमी रिंकू लोधा ने पुलिस को बताया कि युवती अन्य लड़कों से मेलजोल करती थी, वहीं शादी को लेकर भी इनकार कर रही थी, इसीलिए उसने उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी को जेल भेज दिया है। वहीं मृतक लड़की का शव परीक्षण के बाद परिजनों को सौंप कर जाँच जारी है। दिनांक 24/4/24 को एक महिला ने चौकी जागर क्षेत्र में आकर एक अपनी बेटी के संदर्भ में गुमशुदी रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिस पर एक संदेही को पूछताछ की गई। संदेही से संदेही ने उस गुमशुदा बेटी की गला घोंटकर हत्या करना बताया था, जिस पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय जेल पेश किया गया। क्या कारण सामने आए सर, कुछ पूछताछ में अभी बताया? फिलहाल आरोपी द्वारा बताया गया है कि प्रथम दृष्टया प्रेम प्रसंग का मामला है और लड़की द्वारा शादी ना करना और अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने का बताना, इन कारणों पर विवाद होकर उसका हत्या करना बताया। बताई थे 6 बजे से 7 बजे निकाली है। कब? कल। कल लड़के को पुलिस ही लेके आई थी। पुलिस ही लेके आई थी। अब बता रहे हो 1-2 साल पहले भी कुछ हुआ था, क्या हुआ था उस समय? ऐसे लेगा तो सुन की ऐसे अचानक गई जैसे, मतलब नहीं आ पाई। 4-5 दिन हो गए। पहले एक रात और एक दिन और 7 बजे आ गए थे दिन डूबे टाइम। पिछली साल पहले? और क्या, पहले कहाँ गए थे ये कुछ पता बताया था फिर बेटी ने कि पिछली बार कहाँ गए थे? उनके खेतों पे चचा ना बुक रहे थे, वहीं रुके थे। वहीं रुके थे। और फिर पुलिस लाई थी बेटी को या अपने आप ही हुआ? आ गए? नहीं, पुलिस के रिपोर्ट डाल रही थी पहला बार भी हमने। हाँ। और कैसे जैसे रानी नामा करा के नहीं और बात लगा लोगों को जैसे भगा दे हम दो मई को बेटी, उसका पापा तो ही नहीं है। और कैसे जैसे रानी नामा करके और लड़का है जैसे गाँव के बात लगा लोगों को जैसे ले जाए और अब आना नहीं चाहिए, मतलब लड़का फिर सजम जाना चाहिए। मेरी लड़की गई हमें सकलान। मुंडा रोड पर शक्ति इंडस्ट्रीज भूसा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, हुआ लाखों रुपए का नुकसान। आरोन तहसील मुख्यालय पर आरोन नगर में मुंडा रोड पर स्थित एक भूसा और गिट्टा फैक्ट्री में दोपहर के समय भीषण आग लग गई। घटना 29 अप्रैल सोमवार के दोपहर की बताई गई है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार आरोन थाना क्षेत्र के आरोन नगर में मुंडा रोड पर स्थित शक्ति इंडस्ट्रीज गिट्टा भूसा फैक्ट्री में अचानक से भीषण आग लग गई। आग इतनी बेकाबू हुई कि चारों ओर लगे भूसा के ढेरों को पकड़ती हुई चली गई। हालांकि आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो सका। आसपास के जल स्रोतों एवं फायर ब्रिगेड से आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। मौके पर आरोन थाना पुलिस की टीम मौजूद है। भूसा जलकर राख हो गया। इंडिया गठबंधन का प्रचार रथ रवाना, हाथ मिलाकर लिया कांग्रेस का जिताने का संकल्प। जिले में गठित इंडिया गठबंधन ने सोमवार से कांग्रेस प्रत्याशी राव यादवेंद्र सिंह यादव के पक्ष में प्रचार को तेज कर दिया है। गठबंधन का रथ कांग्रेस कार्यालय से रवाना हुआ, जिसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नूरुल हसन नूर एवं महावीर पांडे ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान गठबंधन के सभी दलों के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रचार रथ को रवाना करने से पहले कांग्रेस कार्यालय में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने अपना संबोधन भी दिया। इसमें सीपीएम ने कहा
विष्णु शर्मा ने कहा कि हमें यह समझने की जरूरत है कि यह किसी पार्टी के चुनाव का सवाल नहीं है और ना ही सत्ता परिवर्तन का सवाल है। आज हम देख रहे हैं कि पिछले 10 सालों में देश को खाई में पहुंचाते हमारे देश में ऐसी विचारधारा शासन कर रही है जिसमें न सिर्फ लोगों के जीवन को बदतर बनाया बल्कि हमारा देश, हमारा संविधान भी खतरे में है। पीसीआई के का एड मनोहर मिरोठा ने कहा कि आउटपुट पॉजिटिव आ रहा है और यह किसी नेता से नहीं जनता से आ रहा है। जनता कह रही है कि इस बार भी हमें 2019 को दोहराना है, यह हमारे लिए प्लस पॉइंट है। मैं चाहूंगा कि हमारे साथी जो लगे हुए हैं और ताकत से काम करें और सक्रियता से करें, इस बार हम 2.5 लाख पार कर दें कि उनकी दोबारा हिम्मत ना हो कि चुनाव में आए। गठबंधन के लिए संयोजक पुष्पराग पिछले भाजपा प्रत्याशी के 17 सालों में हर साल औसतन 35,000 वोट का अंतर जा रहा है, यानी हर बार उनका वोट कम हो रहा है। आम आदमी पार्टी के जिला संयोजक रमेश चंद शर्मा ने कहा कि देश भर में तानाशाही का जो शासन चल रहा है, निश्चित रूप से वो तो राम की बात कर रहे हैं, हमें तो खुद ही राम बनकर इन रावणों का, राक्षसों का संहार करना है। 7 तारीख को पूरी ताकत से मतदान कराए, निश्चित रूप से कांग्रेस प्रत्याशी की विजय होगी। शिवसेना के जिलाध्यक्ष विश्वकर्मा ने कहा कि गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी को हर जगह से हमें जिताना है, यह बीजेपी की हार रहेगी। बैठक को वरिष्ठ कांग्रेस नेता नूर उल हसन नूर व आलोक नायक ने भी संबोधित किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस व अन्य दलों के कार्यकर्ता मौजूद रहे। निश्चय किए हुए हैं कि इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी की विजय होना चाहिए और निश्चित रूप से विजय होगी। धन्यवाद। समस्याओं का समाधान करा सके समिति बनाई गई और समिति ने तय किया है कि ये गुना लोकसभा और राजगढ़ लोकसभा में इंडिया एलायंस के नेतृत्व में ये प्रचार रथ के जरिए प्रचार अभियान चलाया जाएगा और एक ही नारे को लेकर खास तौर पर ये प्रचार अभियान चलाया जा रहा है कि भाजपा को हराओ, भारत देश बचाओ। और वो इसलिए कि पिछले 10 वर्षों में जो मोदी सरकार की नीतियां हैं उनमें जो नौजवान बर्बाद हुआ है, देश की जनता बर्बाद हुई है, छात्रों की शिक्षा से वंचित हुआ है, महिलाएं बर्बाद हुई हैं, इस तरीके से जो तरफा हर वर्ग पर जो असर पड़ा है और खासतौर पर संविधान को जो खतरा पैदा किया है, इसको बचाने के लिए ये इंडिया एलायंस के जरिए सारी पार्टियों का जो प्रचार आज से ये शुरू हो रहा है और अंतिम समय तक 5 तारीख तक लगातार ये विधानसभा राजगढ़ क्षेत्र की और विधानसभा ये गुना लोकसभा की उनने ये सीबीआई और संवैधानिक कितनी संस्था है, इनका जिस तरह से देश भर में विपक्षियों के खिलाफ जिस तरह से ये कार्रवाई हो रही है षड्यंत्र पूर्वक, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन और बड़े बड़े जो नेता हैं जो मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं उनको जेल में डाला जा रहा है, इसके खिलाफ हम एकजुट होकर इंडिया गठबंधन के साथ और गुना के अंदर गुना लोकसभा सांसद प्रतिनिधि हमारे प्रत्याशी राघवेंद्र सिंह जी को जिताने के लिए हम सब पूरा गठबंधन इकट्ठे हुए हैं और अंतिम सांसद जीतेंगे और सिंधिया को हराएंगे। जो देश के लिए गद्दारी की इन्होंने उनको हटाने का मौका है, सभी से आह्वान करता हूँ इस बार बेईमानों के खिलाफ वोट करें, चोरों के खिलाफ, गुंडागर्दी, तानाशाही, व्यापार के खिलाफ, महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ वोट करना है। जय हिंद, जय भारत। हमारे इंडिया गठबंधन की संयुक्त बैठक आज यहाँ आयोजित हुई। हमारे संयोजक भाई पुष्पराज शर्मा जी ने सभी दलों के अध्यक्षों को यहाँ आह्वान किया और जिस उत्साह से कांग्रेस पार्टी ने यहाँ सभी दलों को जोड़ा है, निश्चित रूप से मैं सभी दलों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और इस समय देश को बचाने की, लोकतंत्र को बचाने की परीक्षा की घड़ी है। आप और हम सब मिलकर 7 तारीख को मतदान के दिन विशेष ध्यान रखें और पूरी ताकत से मतदान कराएं, निश्चित रूप से कांग्रेस प्रत्याशी की विजय होगी। जय कांग्रेस, विजय चल रहा है। उसके विरोध में आज हमारे समस्त संगठन जो गठबंधन यहाँ एकत्रित हुआ है उसका मैं बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि देख रहे हैं हम देश में प्रत्येक तरह से महिला परेशान है, युवा परेशान है और सभी समाज में किसी महंगाई इतनी हो चुकी है, इतना अराजकता और लोकतंत्र की हत्या हो रही है, इसी को लेकर आज इंडिया गठबंधन जो एक
लड़ाई लड़ने जा रहा है उसमें साथ है, कांग्रेस पार्टी के साथ हमने जो सहयोग किया है उनका सभी का बहुत बहुत स्वागत। एक्चुअली मसला ये है कि आज महिलाओं को बचाने की, किसान को बचाने की, मजदूर को बचाने की, दलित को बचाने की, अल्पसंख्यक को बचाने की, इन सबकी आवाज इकट्ठा होकर के इन पार्टियों की आवाज है। एक्चुअली में सारी पार्टियां जो है अब एक आम जनता का नेतृत्व करती है, उन सारी जनता का ये आह्वान है कि इस बार गाँव और शहर के बाहर, बस इसी नारे के साथ ये आज जनता। आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर कैंट थाना पुलिस द्वारा एसएएफ वल के साथ थाना क्षेत्र में निकाला फ्लैग मार्च। आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं जिले में निष्पक्ष व पारदर्शी निर्वाचन संपन्न कराए जाने हेतु आमजन में सुरक्षा का भाव उत्पन्न करने जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर गुना डॉक्टर सत्येंद्र सिंह एवं पुलिस अधीक्षक गुना संजीव कुमार सिन्हा के दिशा निर्देशन में जिले में पुलिस एवं प्रशासन द्वारा थाना स्तर पर फ्लैग मार्च निकाले जा रहे हैं। इसी क्रम में आज दिनांक 29 अप्रैल 2024 को कैंट थाना प्रभारी निरीक्षक दिलीप राजौरिया द्वारा अपने थाना स्टाफ तथा 26वीं वाहिनी के बल के साथ थाना क्षेत्र के संवेदनशील एवं भीड़ वाले क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च में तहसीलदार गुना ग्रामीण गौरीशंकर भेरवा भी शामिल रहे। इस दौरान पुलिस द्वारा आमजन से आदर्श आचार संहिता का पालन करने, शांति व्यवस्था बनाए रखने, चुनाव के दौरान निर्भीक होकर अपने मत का प्रयोग करने तथा निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराने में पुलिस व प्रशासन को सहयोग करने की अपील की गई। साथ ही आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई करने की हिदायतें दी गई। कलेक्टर ने परिवहन व्यवस्था संबंधी तैयारियों का लिया जायजा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर सत्येंद्र सिंह ने आज संजय गांधी स्टेडियम पहुंचकर मतदान दलों को मतदान केंद्रों तक पहुंचने के लिए परिवहन संबंधी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिन्हा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत प्रथम कौशिक, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर गुना रवि मालवीय, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर बमोरी शिवानी पांडे, तहसीलदार नगरीय जीएस भेरवा सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। ज्ञात है कि दिनांक 6 मई 2024 को शासकीय पीजी कॉलेज गुना से सामग्री वितरण पश्चात 4 गुना संसदीय क्षेत्र की विधानसभा, 28 बमोरी एवं 29 गुना के लिए मतदान दल मतदान केंद्र पर रवाना होंगे एवं 7 मई 2024 को मतदान के बाद चारों विधानसभाओं के मतदान दल सामग्री वापसी के लिए शासकीय पीजी कॉलेज गुना पहुंचेंगे। कलेक्टर ने मतदान दलों की परिवहन व्यवस्था की तैयारियों का जायजा लिया। वहीं विधानसभा बमोरी के लिए वाहन संयंत्र गांधी स्टेडियम से रवाना होंगे। विधानसभा गुना के लिए वाहन इंडोर स्टेडियम के सामने उद्यानिकी विभाग के ग्राउंड से रवाना होंगे। कलेक्टर द्वारा निर्देशित किया गया कि उक्त स्थलों पर विद्युत पेयजल छाया आदि की व्यवस्था की जाए, परिसर में साफ कराई जाए, उक्त स्थानों पर मेडिकल फूड पीओएल के काउंटर लगाए जाएं। साथ ही उन्होंने निर्देशित किया है कि अधिक दूरी वाले मतदान केंद्रों के वाहन पहले रवाना किए जाएं। उन्होंने निर्देशित किया है कि यातायात व्यवस्था इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि शहर में कहीं भी जाम की स्थिति ना बने। उन्होंने कहा कि सामग्री वितरण स्थल पीजी कॉलेज गुना के सामने रोड पर सामग्री वितरण दिनांक 6 मई 2024 कोई भी वाहन खड़ा नहीं करे, सभी वाहन नियत पार्किंग स्थल पर खड़े किए जाए, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करे। कुंभराज नगर में डीजे वालों की मनमानी, डीजे के तेज साउंड से मकानों में कंपन हो सकता है बड़ा हादसा। देश में लोकसभा चुनाव के चलते गुना जिले में आदर्श आचार संहिता लागू है, फिर भी निर्धारित सीमा से अधिक आवाज में डीजे बजाने वाले संचालकों पर कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है। इन दिनों कुंभराज नगर में डीजे वालों की मनमानी सामने आ रही है। डीजे को इतनी तेज आवाज में बजाया जा रहा है कि मकानों में कंपन हो रही है, कभी भी मकान गिर सकते हैं और बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें डीजे की तेज साउंड की वजह से एक मकान में कंपन होने की वजह से मकान गिर गया था, जिसमें कई महिलाएं घायल हो गई थी। मिली जानकारी के अनुसार कुंभराज नगर में रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने वाले संचालक तेज आवाज में डीजे बजा रहे हैं। आवाज इतनी तेज है कि मकान में कंपन हो रहे हैं, बर्तन बज रहे हैं, खिड़कियों के कांच टूटने का डर है और मकानों के गेट भी हिल रहे हैं। लोगों की नींद खराब हो रही है। आज रात इंदिरा कॉलोनी के वार्ड नंबर 8 में एक शादी समारोह में नजारा देखा गया। आपको बता दें कुंभराज इलाके में देर रात तक डीजे बजते रहते हैं। शादियों के सीजन में तो ये रात में 1 से 2 बजे तक बजते हैं। आवाज कम करने को कहो तो लोगों को धमकी देते हैं, जिससे लोग डर की वजह से कुछ नहीं कह पाते हैं। मारपीट के आरोपी गण को दी न्यायालय ने 1 वर्ष की कठोर सजा व 32,000। मीडिया प्रभारी श्रीमती ममता दीक्षित एडीपीओ गुना द्वारा बताया गया कि फरियादी गोलू गुर्जर ने साढ़ा अस्पताल पर उपस्थित होकर रिपोर्ट की।
कि दिनांक 24 जनवरी 2019 की रात्रि 9:30 बजे वह तथा दशरथ पिता रघुवीर अपने खेत में पानी फेर कर मोटरसाइकिल से वापस घर राजपुरा आ रहे थे। जैसे ही वे राजपुरा की पुलिया पर पहुंचे तो वहां मोटरसाइकिल के लाइट में उन्हें देखा कि वहां विजय व उसके साथ फिरकू बंटी सीरिया बबलू अर्जुन सुमन गुर्जर के साथ एकमत होकर उन्हें रोका। विजय एवं फिरकू के पास फरसी थी, बाकियों के पास लाठियां थी। विजय ने दशरथ को मोटरसाइकिल से उतार दिया और गंदी गालियां दी। उसे 3 साल पहले मारा था उसे बताता है, कहकर विजय फिरकू ने फरसी से दशरथ को सिर में मारी जिससे दशरथ को चोट होकर खून निकल आया। उसने हाथ से रखने की कोशिश की तो फिरकू की फरसी उसके बाएं हाथ खप्पे में लगी, कट होकर खून निकल आया। भारत बंटी अर्जुन बबलू सुमन सीरिया ने लाठ की दशरथ के सिर दाहिने भोए होठ में मारी, चोट होकर खून निकल आया तथा दोनों पैरों तथा दोनों सिर हाथों सिर के पीछे तरफ मुंदी चोट आई। इसके बीच बचाव किया तो उसे भी लाठियों से मारा जिससे उसे दाहिनी तरफ से सिर में चोट होकर खून निकल आया। माननीय न्यायालय में पैरवी करते हुए श्री मयंक भारद्वाज ईडीओपी राघुगढ़ द्वारा विधिक तर्क रखे गए जिससे सहमत होकर माननीय न्यायालय ने आरोपीगण को धारा 324, 325, 147, 148, 149 भावे में 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 32,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। ओझा समाज द्वारा सामूहिक विवाह सम्मेलन। मैथिल ओझा समाज आदर्श सामूहिक विवाह सम्मेलन में 24 जोड़े का विवाह सम्मेलन संपन्न हुआ। मैथिल ओझा समाज आदर्श सामूहिक विवाह सम्मेलन वर्ष 2024 रविवार 28/4/2024 को संपन्न हुआ। सामूहिक विवाह सम्मेलन का शुभारंभ सुबह कलश यात्रा से प्रारंभ हुआ, जिसके बाद विधि पूर्वक पूजन कर मंडप कार्यक्रम किया गया और कुछ विशिष्टों का सम्मान कर वर वधु के जोड़ों को पंडाल में बुलाया गया, जहां वरमाला कर फेरे संपन्न कराए गए, जिसमें ओझा समाज के सभी समाज बंधुओं का सहयोग रहा और सभी के समक्ष 24 जोड़ों का विवाह संपन्न कराए गए। गुना मैथिल ओझा समाज आदर्श सामूहिक। बताएं सर, जो आज जो सम्मेलन होने जा रहा है और जो जोड़ों का सम्मेलन हुआ है ओझा समाज में, कितने जोड़ों का सम्मेलन हुआ है? आज ओझा समाज में जो सम्मेलन हुआ है वो 24 जोड़ों का सम्मेलन हुआ है और हमने 1 महीने की मेहनत के बाद घर जा जा करके हमारी समाज के घर जा जा करके चंदा इकट्ठा किया है और जिन लोगों ने सम्मेलन में चंदा दिया है उनको भी हम बहुत बहुत आभारी हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और जिन लोगों के घर पर हम जा नहीं पाए या चंदा उगाने नहीं जा पाए उनके लिए भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हमारे आज ओझा समाज में सभी लोगों ने आकर के ने घर जाया करके चंदा इकट्ठा किया, उन सब लोगों का आभार व्यक्त करते हैं। और हमारे आज सम्मेलन में हमने सर्वप्रथम सुंदरकांड का आयोजन रखा गया है और मंदिर पर अखंड रामायण का भी प्रोग्राम रखा गया है। तत्पश्चात हमने कलश यात्रा से सम्मेलन की शुरुआत की और कलश यात्रा के बाद में हमने कलश यात्रा के बाद हमने वर वधुओं गंगा जली का पूजन किया। इसके बाद में हमने वरमाला का प्रोग्राम रखा गया, वर वधुओं 24 वर वधुओं का हमने वरमाला का प्रोग्राम रखा गया। इसके बाद में भंडारा हुआ और इसके बाद में फेरे का प्रोग्राम हुआ और आखिर में 24 जोड़ों की विदाई का प्रोग्राम रखा गया और सभी ने भोजन प्रसादी ग्रहण की। आपका नाम? नन्नू लाल ओझा। आप सम्मेलन का आपको पदभार दिया गया है, किस पद पे आपको दिया गया है? मेरा नाम नन्नू लाल ओझा, संयोजक का परिवार मुझको दिया, संयोजक इसमें सभी समाज बंधुओं ने आपका सहयोग किया या नहीं? बिल्कुल सभी समाज बंधुओं ने बहुत बहुत सहयोग किया और सबके लिए मैं बहुत अपने ओर से धन्यवाद देता हूँ। क्या ये सम्मेलन पहली बार हो रहा है या इससे पूर्व में भी सम्मेलन हुए हैं? नहीं, सम्मेलन तो आज से 2 साल पहले भी हुआ है और जैसा लगातार तीसरी साल भी प्रोग्राम हुआ है, सम्मेलन हुआ है और ओझा समाज में ये आगे भी चलता रहेगा। धन्यवाद।
स्काउट गाइड शीतल जल सेवा प्याऊ में शामिल हुए विभिन्न स्कूलों के स्काउट गाइड, भारत स्काउट एवं गाइड जिला संघ के पदेन अध्यक्ष कलेक्टर डॉक्टर सतीन सिंह के मार्गदर्शन, जिला संगठन आयुक्त आलोक जैन एवं जिला कमिश्नर, जिला शिक्षा अधिकारी चंद्रशेखर सिसोदिया के नेतृत्व में वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार ग्रीष्मकालीन जल सेवा प्याऊ का प्रारंभ गुना रेलवे स्टेशन पर स्टेशन चल रही है। डीओसी जितेंद्र ब्रह्मा भट्ट, यूथ मोटिवेटर एवं लाइफ कोच ने बताया कि रेलवे स्टेशन पर वंदना कॉन्वेंट स्कूल एवं नील वर्ल्ड केंद्रीय विद्यालय गुना के स्काउट गाइड शामिल हुए। स्काउट एवं गाइड की टोली बनाकर जल सेवा कार्य कराया गया। बच्चे पहली बार जल सेवा करे बहुत खुश हुए। इस अवसर पर वंदना कॉन्वेंट स्काउट संजय मोघे, गाइड भारती दुबे, मोनल मोघे नील वर्ल्ड स्कूल से सिद्धांत सिंह, कल्पना शर्मा केंद्रीय विद्यालय गुना के ऋषिकेश भार्गव शामिल हुए। जिला संघ की ओर से सुरेंद्र शर्मा, नितेश जैन, रवि पालिया, रेंजर राधिका धाकर, रोवर आलोक चौधरी, विष्णु यादव, केशव अनोटिया, शिव खंगार उपस्थित रहे। आज हमने स्टेशन पे ट्रेन में जो पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं उन्हें हमने आज पानी पिलाया, जो कि बहुत अच्छा कार्य लगा हमें। हमने बहुत सारी टंकियाँ पानी की बाल्टियाँ भरी जिसमें बर्फ़ का पानी हमने भरा जो ठंडा था, वो हमने लोगों को पिलाया। लोग बहुत खुश हुए इस बात से और आज का हमारा वर्क बहुत अच्छा गया। आई एम पिंटू सेन फ्रॉम केवी गुना और आज हमने जो पैसेंजर्स थे उनको पानी पिलाया और हमने शायद ही मतलब कि पहली बार पानी पिलाया पैसेंजर्स को स्टेशन पर, और जो पैसेंजर्स थे वो ठंडा पानी पीकर बहुत खुश हुए। और आई एम अनुप कुमार मीना, माय स्कूल नेम इज केंद्रीय विद्यालय। आज हमने स्टेशन पे पानी पिलाया लोगों को जिनको प्यास लग रही थी और काफ़ी दूर से ट्रेवल करके आए थे वो लोग, उनकी बोतलों में पानी भरा और हमें ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। माय नेम इज केतन कुशवा। हमने आज बहुत सारे लोगों को पानी पिला के हमें बहुत अच्छा लगा। माय नेम इज कुशाग ब्रह्मा, क्लास 7th केंद्रीय विद्यालय। आज हमने स्टेशन पे पानी पिलाया, हमें बहुत अच्छा लगा, लोगों की बोतल वाली उनको भी अच्छा लगा आप पानी पिला रहे थे। आई एम आयुषु सारे। आज हम वंदना कॉन्वेंट स्कूल वाले यहाँ रेलवे स्टेशन ऊपर पानी पिलाने आए थे इतनी गर्मी में। यहाँ पर हमें बहुत अच्छा लगा जब लोग हमें इतना आशीर्वाद दे रहे थे जब हम लोगों ने उनको पानी पिलाया, बट हमें बुरा भी लगा जब हमारे पास पानी ख़त्म हो गया था और कुछ लोग अभी भी बॉटल निकाले हुए रखे थे। हम पूरी कोशिश कर रहे थे कि हम सभी को पानी पिलाएं और ऐसी उम्मीद नहीं थी कि लोग इतने ज़्यादा प्यासे बैठे होंगे। हम लोग जब पानी दे रहे थे तो लोग अपनी बोतल निकाल के कह रहे थे कि थोड़ा और पानी दो, लेकिन हमें उस टाइम भी बुरा लग रहा था क्योंकि हमारा पानी ख़त्म हो गया। हमें भी यही लग रहा था कि बहुत कम लोग आएंगे, लेकिन हुआ ये कि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग गई और लोग पानी मांगने लगे। ट्रेन के अंदर से भी बोतलें आ रही थी कि हमें भी पानी चाहिए, हमें भी चाहिए। इतने में हमारा बोतल ख़त्म हो गई और ट्रेन भी चल गई, इसमें काफ़ी बुरा ही। हमको बहुत अच्छा लगा यहाँ पर पानी पिला, हमें बहुत अच्छा लगा लोगों को पानी पिला, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। द एक्सपीरियंस वाज नाइस। कैसा लगा आज आपको? बहुत अच्छा। आज हम रेलवे स्टेशन पे आए, हमने पानी की सेवा की, सबको पानी पिया और हमें बहुत अच्छा लगा। या आज हमें बहुत अच्छा लगा, ये हमारा पहला एक्सपीरियंस था हमारी जल सेवा करने का। आज हमने जल सेवा की स्टेशन पे आकर हमें बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली, बहुत मज़ा आया। हम तो आज आए थे सुबह पैदल वंदना से चल कर आए, हम लोगों ने सोचा नहीं था यहाँ पर कोई ऐसा होगा, पर यहाँ पर हम लोगों को ब्लेसिंग्स वगैरह मिले, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर हम लोगों ने लोगों को पानी पिलाया और लोगों ने हमें ब्लेसिंग्स भी दी और हमें बहुत अच्छा लगा था। हम लोग वंदना से यहाँ से पैदल चल के आए।
यहाँ पर आके मुझे दिल से बहुत खुशी हुई, जो लोगों जो ज़रूरतमंद लोग थे उनकी मदद करके मुझे बहुत खुशी लगी। आदतन अपराधी के खिलाफ जिला वदर के आदेश जारी, अपराधियों को भरने होंगे 50,000 रुपए के बंद पत्र। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर सत्येंद्र सिंह ने आदतन अपराधियों को मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत 6 माह के लिए जिला वदर करने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही 4 आदतन अपराधियों को 50,000 रुपए के बंद पत्र 1 वर्ष की अवधि के लिए निष्पादित कराने के आदेश जारी किए हैं। पुलिस अधीक्षक गुना से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर लोक शांति एवं जन सुरक्षा को देखते हुए उक्त आदेश जारी किए गए हैं। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर सिंह ने आदतन अपराधी सोनू मीना पुत्र ओम प्रकाश मीना निवासी ग्राम वरखेड़ा थाना राघोगढ़ को 6 माह के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए गए हैं। इसी तरह पप्पू उर्फ भुट्टा पुत्र ईशा खान निवासी ग्राम मृगवास, श्रीराम मीना पुत्र मंटीलाल निवासी ग्राम वीरखेड़ी थाना चांचौड़ा, सर्जन सिंह यादव पुत्र हमीर सिंह निवासी ग्राम भैंसाना थाना राघोगढ़ तथा फरहान खान पुत्र अब्दुल जाहिद खान निवासी कर्नलगंज थाना कोतवाली गुना को 1 वर्ष के लिए 50,000 रुपए के बंद पत्र निष्पादित करने के आदेश जारी किए गए हैं। शिक्षा विभाग में स्थित शिव मंदिर पर हुआ गीता स्वाध्याय। भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी सबसे पहले सूर्य तथा फिर अर्जुन को सुनाई। भगवान ने कहा कि मनुष्य को अपना कर्म निरंतर करते रहना चाहिए। उपरोक्त विचार पंडित राम कुमार तिवारी ने शिक्षा विभाग में स्थित शिव मंदिर पर हुए स्वाध्याय में व्यक्त किए। गीता जी का पूजन कमला देवी महेश शर्मा ने किया। स्वाध्याय गीत गणेश गौरी गुरु वंदना तथा अध्याय 4 के प्रथम 11 श्लोकों का स्वाध्याय साकेत रघुवंशी ने कराया। रामायण की चौपाइयों का गायन पंडित चंद्र प्रकाश भट्ट ने किया। सुभाषित रामशंकर दुबे ने सुनाते हुए कहा कि जिस मनुष्य के पास विद्या तप दान ज्ञान शील रूपी गुण नहीं है वे मनुष्य पृथ्वी पर भार है। अमृत वचन में रामेश्वर चौबे ने कहा कि मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति कर्म करने तथा ईश्वर के भजन से मिलती है। प्रेरक प्रसंग में महेश शर्मा ने बताया कि राजा को अपने परिवार की तुलना में प्रजा का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। गीता भजन देना है तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ मेरे सिर पर रख बनवारी अपने दोनों हाथ गाया। स्वाध्याय में कौशल्या रमेश शर्मा, राखी देवेंद्र भार्गव, शोभा हरिओम चौबे, अनामिका मुनेश शर्मा, चंदा रामेश्वर चौबे, किरण चतुर्वेदी, माया ओझा, वेदलता शर्मा, रेखा पांडे, गायत्री शर्मा, अर्चना दुबे, रंजना शर्मा, रश्मि शर्मा, सरिता तिवारी, मीना भोसले, शारदा शर्मा, आनंद भदौरिया, गैनालाल राठौर, मनोज तिवारी, एन के त्यागी, प्रमोद भार्गव, अभिषेक शर्मा, उमाशंकर भार्गव, राम सिंह रघुवंशी, साकेत रघुवंशी, महेंद्र सोनी, कैलाश शर्मा, राधेश्याम शर्मा, वीरेंद्र भार्गव, चंद्रमोहन अग्रवाल सहित कई गीता प्रेमियों ने मौजूद होकर वहां धर्म लाभ प्राप्त किया। अगला स्वाध्याय दिनांक 5 मई 2024 को शाम 4 बजे अम्बेडकर भवन के पास कीर्ति रघुवंशी के निवास पर आयोजित किया गया है, जिसमें अध्याय 4 के 12 से 22 तक के श्लोकों का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय में कुमारी कौतुकी शर्मा, वन्या शर्मा भी उपस्थित रही, जो नई संस्कृति के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आयोजक ने अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर धर्म लाभ प्राप्त करने का अनुरोध किया है। उमाशंकर भार्गव, सह मीडिया प्रभारी विश्वगीता प्रतिष्ठानम, स्वाध्याय मंडल गुना।